अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे सैक्स। नई वीडियो में आपको अगेन खुश आमदीद। आज का हमारा न्यू टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल SPSS। SPSS को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। ये IBM SPS 26 वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो आज के टॉपिक में हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आपने सबसे पहले विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ कर लेना है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, आपने आपने ऑफिस यूज इंस्टॉल करना हो, या आपने आर स्टूडियो ऑन करना हो, या आपने SPSS करना हो, या आर्क मैप इंस्टॉल करना हो, तो सबसे पहले आपने विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ कर लेना है, क्योंकि ये आपका वायरस एंड थ्रेट वगैरह का इशू होता है। तो ये आपका जो सेटअप है या ये सॉफ्टवेयर है उसको करप्ट कर देगा, या इसको डैमेज कर सकता है, बर्न कर देता है फाइल्स को, जिसकी वजह से आप इसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है इसको बर्न कर देते हैं, फाइल्स को करप्ट कर देते हैं वायरस की वजह से। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है विंडोज सिक्योरिटी। तो आपने विंडोज सिक्योरिटी में जाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे वायरस एंड प्रोटेक्शन, थ्रेट प्रोटेक्शन का आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपने ये वाला जो आइकन है मैनेज सेटिंग, यहाँ पे आपने आ जाना है। तो आपने ये रियल टाइम, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ये सारे ऑफ कर देने हैं। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी इसको ऑफ ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने ऑन कर दी है, तो आपके पास इस तरह से ऑन ही होगा। ये सारे आपके पास ऑन होंगे, जैसे ये ऑफ है तो ये आपके पास ऑन होंगे। तो आप इसको कैसे ऑफ कर सकते हैं, तो आपने सबसे पहले इसको जस्ट इसको ऑफ की तरफ लेके जाना है इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपने इसको ऑफ कर दिया है, विंडोज सिक्योरिटी ऑफ कर दिया है। तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। अगर आपके पास सेटअप है तो आप सेटअप में सबसे पहले IBM SPSS का जो आपके पास सेटअप होगा उसमें आपने ये वाली फाइल को रन करना है। डबल क्लिक करेंगे, इसमें आपके पास विंडोज में आएगा। विंडोज में ये सेटअप जो है आपने इसको राइट क्लिक कर लेना है, या तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, या आप इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगी, तो इस तरह से मेरे सामने ये विंडो शो हो जाएगी, तो मैं यस करूंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर आके जो स्टूडेंट्स हैं जो या कोई भी जो इसको इंस्टॉल कर रहा होता है, तो यहाँ पर आके ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आ गया, अब हम आगे क्या करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके यहाँ पे लिंक इसके साथ अटैच होते हैं। तो आपने इंस्टॉल IBM SPSS यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो अपेयर हो जाएगी, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप हर स्टेप को वन बाय वन आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, देन यहाँ पे भी येस को आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट। यहाँ आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, आई एक्सेप्ट, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो रहा है। इसको इंस्टॉल होने में आपको एक एक से 1.5 मिनट, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप फास्ट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपके पास इस तरह से विंडो अपेयर हो जाएगी, क्योंकि ये पाइथन बेस है, तो ये पाइथन जो है इंस्टॉलेशन इसका भी हो जाएगा स्टार्ट। ये खुद ब खुद होता रहेगा ऑटोमेटिक, और खुद क्लोज भी हो जाएगा, जैसे ये आप देख सकते हैं।
इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको फिनिश कर सकते हैं, देन कैंसिल, ओके यस, ये भी आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद ये भी इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास क्रैक वर्जन होता है, तो हम इसका लाइसेंस से क्रैक करेंगे। तो मेरे पास ये जो सेटअप है, मैं सेटअप में आ जाऊंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रैक का फोल्डर है, इसमें आपने ये वाला जो है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सी फोल्डर में आना है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि मेरा सी में इंस्टॉल हो गया है, ऑटोमेटिकली सी में इंस्टॉल होते हैं। तो आपने प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86, इन दोनों में से दोनों को चेक करना है कि आपका जो आईबीएम है, जो आपने एसपीएसएस आईबीएम किया है, वो कहाँ जाके इंस्टॉल हुआ है। तो मेरा तो आईबीएम जो है 86 में इंस्टॉल हुआ है, वरना प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे हो जाता है, इन दोनों में से किसी में एक में हो जाता है, आप कोई भी फाइल चेक कर सकते हैं। तो 86 में हुआ है, तो आपने ये आईबीएम जो कि हमने इंस्टॉल की है, जैसे हम वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर उसको ऑटोमेटिक ही फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप आके लाइसेंस को पेस्ट कर सकते हैं, देन आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। अगर अदरवाइज अगर आप इसको इसका क्रैक इसमें पेस्ट नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, तो ये आपका रन नहीं होगा, वो बार बार एरर देगा कि आप इसका लाइसेंस करें। चल तो जाएगा बट ये बहुत ज़्यादा एरर देता रहेगा और फाइल्स करप्ट कर देगा। तो आपको इसको लाइसेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परचेज नहीं करते इसका सेटअप जो, तो आप क्रैक वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है देन आप इसका क्रैक वर्जन को स्किप कर सकते हैं। तो आईबीएम को आपने डबल क्लिक करना है, एसपीएसएस में जाना है, स्टैटिस्टिक 26, यहाँ पर आके वो जो सेटअप मैंने यहाँ पर वो फाइल कॉपी की थी, यहाँ पे आपने जस्ट आके पेस्ट करना है। रिप्लेस मस्ट करें क्योंकि ऑलरेडी पहले अगर हो वहाँ पे ये वाली फाइल, तो रिप्लेस हो जाए न्यू में, अगर वो पहले थी तो आप न्यू में आ जाए। कंटिन्यू कर लें, ये आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे रिप्लेस हो गई है, पहले थी यहाँ पर, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं SPSS, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ये पूरा हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास। आप यहाँ पे इसको पिन भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी या टास्क बार में भी, मैं हमेशा टास्क बार पे ही पिन करती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। टास्क बार पे पिन कर दें और यहाँ से आप इसको ऑन भी कर दें। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप, आपके पास इस तरह की विंडो, आपने इसको क्रॉस कर देना है। तो ये जो आपका है सॉफ्टवेयर, आप अब इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, आप इसमें कोई भी डाटा फीड कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा भी कर सकते हैं। आप डाटा व्यू में एंड वेरिएबल्स व्यू, ये दो तरह की विंडो यहाँ पे अपेयर हैं। आप वेरिएबल व्यू में डाटा टाइप करेंगे एंड यहाँ पे भी टाइप करेंगे इसका। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।